कौन खिलाएगा भाई? खाएंगे हम खाएंगे थोड़ा सा, देखो ज़्यादा नहीं भाई, एक रस्म। अरे हम खाएंगे नहीं आज, मेरा फास्ट है, अभी कुछ नहीं खाएंगे, अभी हो जाता है गड़बड़, शाम खा लेंगे। सर आप खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, नहीं पानी नहीं फास्ट है पीते सर, हैं फास्ट ट्यूजडे। आज। यहाँ पे आप मेरे ट्यूजडे बॉस में पुराने स्टूडेंट, शुरुआत के मतलब द मावला क्लासेस, एक बिल्कुल शुरुआत ही थी जैसे एक छोटे से बीज के बराबर, और इन सारे बच्चों से मैं बहुत ज़्यादा लगाव है, इनको भी मुझसे बहुत लगाव है, और इन्होंने इतनी सारी मेमोरीज दी हैं इन लोगों को, इसीलिए इन सबका MCA भी कंप्लीट हुआ है, प्लेसमेंट हो गया है। करिश्मा तो मुझसे भी बहुत आगे निकल गई, तीन सब्जेक्ट पढ़ा लेती, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, रियल में। हाँ बहुत अच्छा लगा। प्रीति, इनका भी प्लेसमेंट अभी हुआ है सिटी कॉरपोरेशन में। ओमी, मुनाबो कंपनी है नोएडा में, उनका उसमें प्लेसमेंट लिया है। ये सारे लोग उस मुकाम पे पहुंच गए, देखते ही देखते जब भी आए हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब अभी ये बस कोचिंग में आते ही थे, मुझे तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल। क्या प्रीति, करिश्मा तुम्हें है? हाँ, पर टाइम कैसे बीतता जाएगा, पास कैसे हो गया, नया ट्रेंड मतलब इनके प्लेसमेंट के लिए भी हम लोगों ने काटा है। हाँ करिश्मा, क्या कह रहा चाहोगी इस बात, तुम्हें इस जर्नी के बारे में अभी भी कैसा लगता है जब भी तुम मावला क्लास में सोचती हो? करिश्मा बताइए, मावला क्लासेस की शुरुआत में ऐसे कोई पल, एक बहुत बात पूछ सारी सकते हैं? मेमोरीज है सर के साथ, प्रीति के साथ, ओमी के साथ, जिनको अभी भी याद करते हैं। अभी भी जब मैं आ रही थी इन लोग से मिलने के लिए तो बस लगा था अभी तो स्टार्ट हुआ था, और अभी हम उन्होंने कोचिंग जाएंगे थे, अब सब प्लेस भी हो गए, तो बहुत अच्छा लगता है सोच के कि धीरे 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 सब अपनी अपनी जगह पहुँच रहे हैं और सबको अपनी लाइफ की अच्छी अच्छी जगह मिल रही है। जैसे प्रीति, ओमी, सबको मिली गई, आज सर से मिलने आए हैं, अपनी अपनी खुशी एक्सप्रेस करने आए हैं कि आज हम लोग इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे सर की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, जिन्होंने उन्होंने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना हम लोग को पढ़ाया, हमारे साथ रहे, हम लोग के हर टाइम पे हम लोग को जहाँ समझाना था वहाँ समझाया। तो आज सर की वजह से यहाँ आए, इसलिए आज ये मैडम भी आई है त्रिची से सर से मिलने के लिए, वो दिल्ली से स्पेशल आई है सर से मिलने के लिए। पहले करिश्मा से शुरू। हाँ, कौन सी रोने वाली, रोने वाली। हाँ तो हम अभी ये लोग आए हैं तो एक एक हम एक एक इंसिडेंट जो इनसे हुआ है अभी तक हम नहीं बोल पाते हैं, तो एक स्वीट सा करिश्मा के साथ भी हुआ था जब भी करिश्मा शुरू में आई थी, तो ये भाई जो पंजाबी हैं, और थोड़ा सा जब आई थी तो मुझे थोड़ा सा मॉडर्न लगी, तो मुझे लगा कि बच्ची यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते थे। तो शुरुआत में एक दिन करिश्मा रो दी और बोली कि आप तो मारते रहते हैं, आपको हमेशा मारना है, मार लीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं उस दिन कुछ नहीं बोला, तो बाद में करिश्मा ने रियलाइज़ किया होगा, और वह पूरे साल एक अच्छे बच्चे की तरह रहे, और मुझे लगा कि अगर भरोसा दिखाया जाए तो कोई भी पढ़ सकता है, और मैं इस ऐप चीज़ को हमेशा ध्यान रखता हूँ, करिश्मा की जब भी याद आती है तो कोई भी पढ़ सकता है, करिश्मा ने मुझे सिखाया। ठीक है, थैंक यू, मैं इस बात को बोलूँगा। बाकी प्रीति आगे बताएंगी। मारुला मेरे लिए एक से वर्ड नहीं है, बहुत एक फीलिंग जुड़ी हुई है इससे। जो भी मैं हूँ अभी इस वक्त यहाँ की वजह से हूँ, यहीं से मैं लड़ना सीखी हूँ। स्टार्टिंग में आई थी तो शायद हार मान ली थी, बट यहाँ से सर ने मुझे लड़ना सिखाया, जो कि मैं वहाँ कॉलेज में लेकर गई, तो इसलिए लाइक बहुत जुड़ी हुई मैं इस इंस्टीट्यूशन से, इसलिए मैं आज आई हूँ सर को थैंक यू बोलने। और बस बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ से, जो शायद पूरी ज़िंदगी चलेगा मेरे साथ। बहुत सारी मतलब मेमोरीज रहती हैं ऐसे ही। प्रीति के साथ देखा जाए, हमने बोला एक हम कुछ मेमोरीज शेयर कर रहे हैं उस टाइम की, तो प्रीति ने एक बात बोली थी मुझसे कि मुझे MCA नहीं करना था, और बस मैं जब भी अपने कॉलेज से जाती थी तो ऑटो पे एक पोस्टर मुझे दिखता था, उस पोस्टर में बड़ा बड़ा मारुला और अमित कटियार लिखा रहता था, तो मुझे लगता है कि मैंने कभी आज तक मैंने पोस्टर्स इतने लगाए, हमने खुद हाथ से लगाए, मगर कभी इतना सोचा नहीं कि कोई ऐसा बच्चा इतना ध्यान से उसको देखता हो। अभी मैं जाता हूँ तो
मतलब इस लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं कि चाहे तो फिर भी जब भी हम पोस्टर अपने यहाँ से लगा रहे हो तो मुझे वही याद आती है कि प्रीति यादव की वो बात कि शायद कोई और प्रीति यादव उस पोस्टर को इतने मन से देखती है और शायद वहाँ पहुँचे है। तो मैं इसको और नहीं फील करता हूँ। देखो लाइट आ गई तो अच्छी बात है बोला था। आज मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। एग्जैक्टली मैं जानती भी नहीं थी उस टाइम पे कि एमसीए होता क्या है। हम लोग जब बीसी थर्ड लास्ट ईयर में आ गए थे तब मेरे और प्रीति की ऐसे ही नॉर्मली बात हो रही थी कि यार इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर बीसीए क्या करेंगे, एमसीए करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे दोनों का डिस्कशन हुआ और मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि कौन सी कोचिंग है इसके लिए, क्या है क्या नहीं है। बस मैं प्रीति के साथ ही मैं आई थी, प्रीति के साथ यहाँ तक आ गई मारुला तक। और उसके साथ उसके मैं जो बड़ी हूँ मैं उसके साथ ही बड़ी हूँ, इसलिए मैं अमित सर का और प्रीति का दोनों का थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं एग्जैक्टली किसी चीज़ से अवेयर नहीं थी। क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ जहाँ से निकल के मैं नई नई आई थी यहाँ पे कानपुर बीसीए में, तो मुझे किसी भी चीज़ का एग्जैक्टली नॉलेज नहीं था। मैंने जो भी फर्स्ट ईयर तो मेरा कब निकल गया बीसीए का मुझे खुद कुछ पता नहीं चला। बीसीए में काफ़ी सारी ट्रेजडीज भी हुई लेकिन फिर जब मैं प्रीति के साथ मिली, उसके साथ मिलके मैं बहुत आगे बढ़ी, उसने मुझे बहुत गाइड किया हर एक चीज़ के लिए। आज भी कुछ होता है मैं उसे कॉल करती हूँ इस चीज़ के लिए और सर को भी कॉल करती हूँ उसके साथ साथ। उसके साथ मैं सर से मिली तो मैं उसके साथ सर का और दोनों उन दोनों का थैंक यू अदा करना चाहूँगी। सर से ज़्यादा मैं प्रीति को बोलना चाहूँगी क्योंकि उसके साथ ही मैं बढ़ी हूँ वहाँ तक, उसके साथ मैंने जाना है चीज़ों को, इसलिए इन सर को और प्रीति को मैं दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। देखा जाए तो जब ये लोग कोचिंग रहते थे तो यही लोग थे, ज़्यादा स्टूडेंट्स ही नहीं थे। और अभी ये कहाँ कहाँ पहुँच गए, बट तीनों को हम एक साथ ही सोचते हैं अभी भी। और जब भी ये लोग अगर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कभी लड़ झगड़ने लगते हैं, तो हम भी यही सोचते हैं कि हम तीनों को एक साथ लेते हैं, लेके चलते हैं, कुछ डिफरेंसेस नहीं हैं। ओमी मैम ने एक चीज़ पाई कि ओमी का 60% नहीं था, तो उन्हें उसको ये लगता था कि मेरा नेमशेड नहीं है। और ओमी को ऐसा लगता था कि मैं प्रीति को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसा नहीं लगता था? अच्छा चलो, मगर इसके दिमाग में हमेशा ये लगता रहता था कि मतलब मेरा 60% नहीं तो मेरा नेमशेड नहीं है। तो ये हमेशा इसको रियलाइज़ होता रहता कि मेरा नेमशेड नहीं है, बाकी लोगों का नेमशेड है, तो मैं कभी नेमशेड नहीं पहुँच सकती। तो हमने हमेशा ही इस बात को इसको इनक्रेज किया कि निमसेट नहीं है, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे कॉलेज हैं और अच्छा करोगी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों और करिश्मा तीनों साथ में यहाँ आए और ओमी का प्लेसमेंट हुआ। तो इससे ये जज होता है कि आपके पास अगर निमसेट नहीं है, जैसे बाकी किसी कोई मेरी बात सुन रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 60% नहीं होता है, तो मैं मुझे वही इसी का चेहरा याद आता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, अगर निमसेट नहीं है तो आप अमित कटियार को देखें, मेरा भी नेमशेड नहीं था। तो मुझे भी बहुत ऐसा रिलाज होता था। मगर हमने कई मामले में देखा जाए, अपने तैयारी के टाइम पर और अभी पढ़ाने के टाइम पर, उसी एक कमी की वजह से यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो अगर कोई कमी आपकी है तो हो सकता है कि वो आपकी अच्छाई के लिए हो। तो मुझे लगता है कि आज ओमी को जो मिला है वो उसकी उसी कमी की वजह से मिला, उसका प्लेसमेंट हुआ है, उसकी अच्छाई बन गई। ये सारे लोग यहाँ पर आए, मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा। इनको कितना अच्छा लगा ये इनके ऊपर है, ठीक है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो एक अलग से एक लास्ट में मैसेज है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ये लगता है कि मैं हमेशा मावला क्लासेस के लिए कंसर्न हूँ। वो उनके वीडियोस जो भी आते हैं वो पढ़ाई के रिलेटेड आते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट की तैयारी इस समय कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है उनसे बात करने की, मैसेज करने की, बट वो उसमें मैसेज नहीं लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। मुझे पता है कि उसका स्ट्रगल, उनका प्रेशर क्या होता है। वो तभी बात करना चाहते हैं जब उनका प्लेसमेंट हो जाए। वो सोचते हैं कि अगर प्लेसमेंट हो सर को बताएंगे, बट ऐसा नहीं है। मेरी बात हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुई हुआ है, हम इस बात को, मैंने बोला मेरा नहीं प्लेसमेंट हुआ था, किसने क्या कर लिया, आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इस बात को बता रहा हूँ। तो अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अमित कटियार के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप मेरे टच में रहिए, मावला क्लासेस के हमेशा टच में रहिए। मावला क्लासेस
का संबंध या रिलेशन इस बात से नहीं है कि आप कैसा कर पा रहे हैं, अब हमें पता है कि आप 100% करते हैं। तो वो सारे बच्चे अगर इस बात को इस लास्ट वीडियो के लास्ट तक जाते हैं जो इस समय प्लेसमेंट के दौर पे हैं, बिल्कुल भी ना हड़बड़ाए, हमने देखा है कि वो हड़बड़ाहट की वजह से अपने भरोसे को कम करने वजह हो जाने के, जो लोग उनको प्रेशर में बना देते हैं, उनको रियलाइज़ कराते हैं कि तुम ऐसे पढ़ते हो इसलिए तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तुम ऐसा करते हो, तो वो हड़बड़ा जाते हैं इस बात को बिल्कुल भी। एक बंदा ऐसा है जो आप पे हमेशा भरोसा बनाए हुए, अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, अब कहीं पर भी हो, उन्होंने बोला इंडिया में कहीं पर भी, पहले नहीं बोलते, अब कहीं कहीं पर हो, अगर लगता है रियल में मेरी ज़रूरत है आप मुझे फ़ोन करेंगे, पॉसिबल होगा तो हम वहाँ तक आएंगे, रियल में आएंगे, चेन्नई तक भी की बात होगी हम आएंगे, ठीक है, अब हम उड़ भी सकते हैं, ठीक है, हाँ आप इतना समय दें हम आ सकते हैं, अगर आप बुलाएंगे ट्रस्ट से हम आएंगे, ठीक है। और ये मैसेज रियल में दिल से हमने बोला है, तो आप उसको बिल्कुल एक चीज़ समझे कि आपके पास पेरेंट्स के अलावा एक और ऐसा एक संरक्षण, एक ऐसा हाथ है आपके पास कि हमेशा आपके लिए, हमेशा आपके लिए, आपको कभी भी लगेगा कि आपको कोई निराशा लग रही है आप ज़रूर मुझे कॉल करें, मेरे पास बताएं, आपकी बात अगर जायज़ होगी तो हम ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस मैसेज को दे पाए, इस पल को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और प्रीति एक छोटा सा गाना गाएंगी। आशियाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबदाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला लो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। थैंक यू। जो भी स्टूडेंट्स इस बार तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बस अपना बेस्ट दें पढ़ाई में, और अभी बहुत टाइम है, वो कर सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, यस ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जो भी स्टार्ट किया है उसे एंड तक ले जाएं, बस बीच में ड्रॉप ना करें, जो कुछ भी आपने स्टार्ट किया है उसे एंड तक करें, उसको बीच में ब्रेक ना करें, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते बच्चे काफ़ी प्रेशर में हो जाते हैं, तो काफ़ी उनको ये लगने लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो बीच में छोड़ देते हैं, तो वो बीच में ना छोड़े, बस जो लास्ट तक लगा रहा उसका 100% होगा ही होगा। एंड वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर दी एग्ज़ाम, एंड जो भी करोगे अच्छा करोगे, तुम लोग बस अपना करते रहो, सब अच्छा ही होगा। और लास्ट में अपने जैसे चंद्रेश हैं, शुभम इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो भी हैं यहाँ पे जितने, मावला में एक अच्छी सी बात है कि हाँ दोनों लोग मावला में अच्छी बात है, जितने भी लोग हैं, मतलब मावला का एक पता नहीं ब्लेसिंग सी है, जितने भी लोग आए पढ़ने वाले आए हों या जो पढ़ाते हैं वो, और जो साथ में रहते हैं पता नहीं, और जो भी थे वो जिस सोच से आए थे पता नहीं उनके अंदर एक सोच चेंज हुई, जो बच्चे जो सुन रहे होंगे जिन्होंने जिसको आप टाइपिंग तो नहीं बोल सकते कि उन्होंने इतना अच्छा कर दिया, एमसीए कर रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने यूट्यूब बनाया वो भी अच्छी जगह पे हैं, ये लोग भी ये सोच को लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कभी कि यहाँ पर, मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है वहाँ ना होकर यहाँ प्रेजेंट, जब ये चाय बनाते हैं मेरे लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे रियल में, ठीक है, और तुम लोगों को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, मैं नहीं बता सकता हूँ ये, मतलब वर्ड्स, ये यूट्यूब शायद इसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएगा, बाकी लोग क्या लेते हैं इसको, लोग क्या कमेंट करते, कभी कभी कुछ कर देते, तो मुझे इससे दिक्कत नहीं, वो आपकी सोच है, हम क्या फील करते हैं, हम इस बात को यहाँ पर रख रहे हैं कि हम अपनी, हमने जो भी यहाँ पर शूट किया है, जो भी यहाँ पर है, तो अपनी खुशी के लिए किया है कि कभी हम 5 या 6 साल बाद देख पाएँ, ये लोग देखें तो फिर वो मेमोरीज रहें, बस केवल मेरा उद्देश्य यही था, इसीलिए हमने शूट किया है, और इसलिए हम लोग उसको डालेंगे, बाकी आप जिस तरीके से लें वो आपके ऊपर है, ठीक है, थैंक यू, हाँ ठीक।